सभी का। तो हमारे साथ है 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इनके साथ बहुत बहुत खास बातचीत करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो भी यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया है, तो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी रही है, ये कैसा रहा है, वो कैसा रहा है, ये हम बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन आज हम जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसी के साथ साथ ऐसी चीजें जो हमें शायद पता नहीं है, या फिर हम पता करने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, तो वो सारी चीजें हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी फेज 2 ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट की है। और पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब रिजल्ट बाहर आता है, जब आपका लिस्ट में नाम आ गया था, और उसके बाद फिर आपको टाइम कितना मिलता है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे, मतलब आपके पीछे तो रिपोर्टर्स ये सब बहुत सारे लग जाते हैं कि आप बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, ये कैसा रहा है। तो मतलब ऑफिशियल तौर पर अगर देखा जाए, तो ऑफिशियल तौर पर आपको कितना वक्त मिलता है, किस तरीके से लेटर आता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको आना है, कितना टाइम मिलता है बीच में? So after declaration of UPSC result, I guess we'll get 3-4 months in general. But अभी जो कोविड हुआ है उसके वजह से मुझे लगता है 2 महीने मिलेंगे जो अभी जिनका ज्वाइनिंग होगा. सो अच्छा, प्रोसीजर ये है कि DOPT से हमें एक ज्वाइनिंग लेटर आता है. सो वी कैन कॉल इट एज ऑफर लेटर ऑल्सो. सो उसमें सर्विस वगैरह मेंशन किया होता है. सो ऑल दिस कम्युनिकेशन हैपेंस ऑन द ऑफिशियल मेल ID विच वी गिव टू UPSC DAP. तो डैफ में जो भी हम देते हैं उसमें से ये सब कम्युनिकेशन होता है. और फिर जब ऑफर लेटर आता है उसके बाद हमें वो एक्सेप्ट करना होता है. सो वी जस्ट राइट अ मेल बैक टू DOPT सेइंग दैट वी ऑफर वी एक्सेप्ट दिस सर्विस एंड वील ज्वाइन एकेडमी. क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ब्रेक भी लेते हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव लेते हैं या फिर और UPSC देने के लिए ब्रेक लेते हैं. सो हमें ये मेंशन करना पड़ता है उस मेल में कि हम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी. सो कुछ कुछ लोगों का ऐसा ऐसा भी होता है कि उनका रैंक ऐसे आ जाता है कि वो सेम सर्विस के लिए उनका फिर सिलेक्शन होता है. आई मीन दे गेट द सेम सर्विस. सो तो फिर उनको मतलब सर्विस आने के बाद भी दे कांट ज्वाइन, राइट? तो ये सब चीजें होती है. आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग जो आपने बोला कि जो टाइम मिलता है 3 से 4 महीने, आई थिंक ये बहुत क्रूशियल टाइम है. द लास्ट टाइम जो हम फ्रेंड्स फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं विदाउट एनी ऑफिशियल ड्यूटीज, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है. और इस टाइम में एक्चुअली क्या होता है, दो तीन चीजें होती है. DOPT पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करती है एंड देन जो कुछ लोगों का होता है कि मेडिकल एग्जाम होता है वो क्लियर नहीं होता है. कुछ वजह से दे वो डिक्लेयर करते हैं कि वो लोग टेम्पररीली अनफिट है. उनको एक्चुअली मौका दिया जाता है उनका हेल्थ इंप्रूव करने का. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरीवन कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अदरवाइज फिर सब जाके एग्जाम क्लियर करने के बाद इफ यू आर डिक्लेयर टेम्पररीली अनफिट बिकॉज ऑफ वन ऑफ द अदर रीजन, वो मुझे लगता है कि आपको मतलब उससे कुछ होगा नहीं. सो ऐसा कुछ बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. सो ये 3-4 महीने में ये चीजें होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कोई ओवर वेट है, मतलब वो जो डिक्लेयर किया जाता है मेडिकल बोर्ड से, तो उसके बाद फिर वो वेट कम करते हैं, फिर वापस जाते अच्छा, हैं. मतलब मौका देते हैं उनको कि आप आ सकते हो, उसमें फिट हो सकते हो। तो ये 3-4 महीने में ये सब चीजें होती हैं कि आपको मेडिकल क्लियर करना पड़ता है. जिनको फॉर एग्जाम्पल IAS मिला तो उनको तो ये 2-3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज उनका फिर फाउंडेशन कोर्स नहीं होगा और फिर वो नेक्स्ट ईयर करेंगे. तो ये अच्छा, सब चीजें होती है इन 3-4 महीने. ओके। और बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि जैसे एग्जाम में आपका रिजल्ट जो है वो आ गया, लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो तभी आपको IAS दे दिया जाता है, IPS दे दिया जाता है, IRS दे दिया जाता है, या उसके बाद आपको, मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं होता है एक्चुअल में आपको क्या मिलेगा, तो ऑफिशियल तौर पर कब होता है वो? ऑफिशियल तौर पर रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है एक 20-25 दिन DOPT लेता है. फिर कुछ कुछ लोगों को जो सर्विस एलोकेशन होता है उसमें स्टार मार्क्ड होता है. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला कि IPS के लिए फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया है कि हाइट आई गेस 185 के नीचे होगा तो यू आर नॉट फिट फॉर इंडियन पुलिस सर्विस. सो ऐसे जो लोग होते हैं ये फिर
मेडिकल बोर्ड के लिए ऑब्जेक्शन देते हैं, ये सब सब होता है इसमें। फिर सर्विस में स्टार लग जाता है, मतलब एक का नहीं हुआ तो उसके नीचे वालों का, एंड देन पूरा सर्विस का जो साइकिल है एलोकेशन का वो चेंज हो सकता है। सो ये सब चीजें आपको एक एक महीना मैक्सिमम लगता है। इन इन इनडायरेक्टली तो आपको समझ में आ ही जाता है आपके रैंक के हिसाब से, जिनका रैंक थोड़ा सा लोअर साइड पे उनका थोड़ा कंफ्यूजन। ओके ओके। और जैसे हम अब ट्रेनिंग में चले गए हैं तो उसके बाद मतलब बहुत लोगों का ये तो ड्रीम होता ही है, जैसे कि बहुत सारे लोग ये ड्रीम करते हैं कि लवासा में जाना है, वहां पर ट्रेनिंग करना है, तो वहां पर सबसे पहले वेलकम किस तरीके से होता है? मतलब जाते से आप क्या फील करते हो, किस तरीके से वेलकम किया जाता है आप लोगों का? आई थिंक प्लेस वेलकम्स अस, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है लवासना। तो जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें शेड्यूल मिलता है, तो जाते ही हमें हमारे जो हॉस्टल्स होते हैं, चार पांच हॉस्टल्स है, वहाँ पे रूम एलोकेशन की जो कीज होती है वो हमें वगैरह मिल जाती है। फिर एक वेलकम किट मिलता है जिसमें ट्रैक सूट वगैरह वगैरह सब होता है, एंड देन आई थिंक मतलब रात को ज्वाइनिंग होता है दिन से रात तक, सो दे गिव टाइम टिल 6 इन द इवनिंग, तब तक ज्वाइन होता है। उसके बाद फिर फ्रॉम नेक्स्ट डे जो है हमारा फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। बट वेलकम एज सच फॉर्मल कुछ वेलकम नहीं है, हालांकि इनॉग्रेशन वगैरह होता है, देन फिर गेस्ट स्पीकर्स आते हैं या फिर कोई गेस्ट आते हैं जैसे मिनिस्टर्स आते हैं वगैरह वगैरह, तो वो ऑफिशियल वेलकम होता है। बट देन आई थिंक कि प्लेस हमें ज्यादा वेलकम करती है देन मतलब क्या बोलेंगे सही बात है, वो एक फीलिंग ही अलग बहुत अच्छी बहुत अच्छी फीलिंग। हाँ हाँ। फिर जब आप वहां पर जाते हो, आपका जैसे कि आपने कहा कि जो हॉस्टल्स है उसमें आपको कीज मिल गई, तो फिर आपको हॉस्टल में एक इंसान एक जगह पर रहता है एक जगह पे, या फिर दो तीन लोग शेयर करते हैं? अच्छा, फाउंडेशन कोर्स में वी गेट डबल ऑक्यूपेंसी रूम जिसमें फिर हमें शेयर करना पड़ता है, बट फॉर फेज वन हमें सिंगल ऑक्यूपेंसी, मतलब वही रूम्स होते हैं बट हमें एक रूम में वन पर्सन विल स्टे इन वन रूम, सो ऐसा अरेंजमेंट। और अगर किसी की शादी हो गई है और या फिर जो फैमिली है, तो अगर उनको फैमिली को भी वहां पर लाना है तो वो अलाउड होता है या फिर आपको ही रहना होता है सिर्फ? फैमिलीज आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन द एकेडमी, सो फैमिलीज को हम लेके नहीं आ सकते। हालांकि कोई घूमने के लिए आ सकता है, फॉर दैट स्पेशल परमिशन दे सकते हैं जो अंदर एकेडमी घुमाने के लिए, बट अंदर फैमिली स्टे ऑफिशियली नहीं कर सकते। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो जो फाउंडेशन कोर्स के बारे में आपने बात की, तो फाउंडेशन कोर्स जो है वो कितने महीनों का होता है और उसमें बेसिकली होता क्या है फाउंडेशन कोर्स? फाउंडेशन कोर्स 3 महीने का अराउंड होता है और उसमें सब सर्विसेज के लोग आते हैं, तो राइट फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईपीएस, फिर फॉरेस्ट सर्विस, रेलवे, इंडियन अकाउंट सर्विस, ये सब लोग आते हैं। फिर वहाँ पे स्टार्टिंग में जो होता है तो एकेडमिक इनपुट्स तो होते ही है, जो लॉ, हिस्ट्री, पबैट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें जो होता है एक हिमालयन ट्रेक करना होता है, तो फिर उसके लिए प्रैक्टिस थोड़ा सा करवाते हैं। उसके बाद इंडिया डे एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस होते हैं, उसके लिए भी हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें बहुत होती है, जैसे हमें कुकिंग क्लासेस वगैरह, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, जिसको जो अच्छा लगे वो करने का मौका दिया जाता है। देन द फाउंडेशन कोर्स ऐसा है कि इट विल बी द मोस्ट मेमोरेबल ऑफ द फेजेस ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत आई वोंट से हिक्टिक वर्क बट बहुत एंगेजिंग होता है कि रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आती है, इतने सारे क्लब सोसाइटीज होते हैं। सो डेली रूटीन हमें सुबह 5:30 या 5 बजे आइडियली उठना चाहिए, सो राइट फ्रॉम 6 AM इन द मॉर्निंग या 6:30 डिपेंडिंग ऑन कि बारिश हुई है नहीं है। ये मसूरी का वेदर बहुत चेंज होने वाला है, बहुत जल्दी चेंज होता है, सो वो मॉर्निंग में हमें योगा, पीटी या फिर ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, सो मॉर्निंग एक्टिविटी बोलते हैं हम इसे।
फिर इसके बाद 8:30 से 9:30 हमारा ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद 9:30 शार्प लेक्चर स्टार्ट होते हैं, कभी कभी ये 9:20 को भी होता है, और ये टाइम बहुत स्ट्रिक्ट होता है हमारे, हर जगह पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ये सब चीजें होती है, तो ये सब नोट होता है। तो फिर लेक्चर्स चलते हैं टिल 4 PM, बीच में हमें 2 to 3 लंच ब्रेक होता है, तो 4 से 5 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो मैंने बोला, पेंटिंग या फिर सिंगिंग या फिर डांस, जो भी ये होता है, हॉर्स राइडिंग भी होता है अगर किसी को इंटरेस्ट होगा। एंड देन उसके बाद फिर 6 to 8 जनरली कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कभी कभी ये हो भी नहीं सकते, सो इट डिपेंड्स। एंड वीकेंड्स जो होते हैं, तो वीकेंड्स में सैटरडे को फाउंडेशन कोर्स में ट्रेक करवाते हैं वो लोग, एंड संडे फ्री होता है अच्छा, जनरली। तो फिर संडे को आप क्या करते थे आप लोग, मतलब? ऑफकोर्स मसूरी के बाहर मतलब नहीं जाना है, बट देन वी कैन गो आउट ऑफ द कैंपस, तो हम लोग फिर घूमते थे, मॉल रोड वगैरह है वहाँ पे, सो मसूरी इज ब्यूटीफुल सिटी, हम लोग जब भी जाते थे तो सही वी बात। यूज टू एक्सप्लोर द सिटी, एंड देन वहीं पे बाइक राइड करने के लिए गए वगैरह, छोटी मोटी चीजें। सो या फिर बहुत लोग स्पोर्ट्स में जब वगैरह इंटरेस्ट होगा तो कॉम्पिटिशन्स रहती है मतलब क्लब सोसाइटीज की, सो रॉक क्लाइंबिंग का कुछ इवेंट अरेंज किया किया हुआ था। सो बहुत सारी मतलब मैंने जैसे बोला कि फाउंडेशन कोर्स बहुत हैपनिंग कोर्स है, सो कुछ ना कुछ तो चलते ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ बोर नहीं होगा उस टाइम पे। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जो कैडर एलोकेशन होता है उसके बारे में जानना चाहता हूं कि आपको कैडर एलोकेशन कब पता चलता है, किस बेसिस पर होता है और कैसे होता है? कैडर एलोकेशन हमें जो पता चला था वो फाउंडेशन कोर्स के लास्ट वीक में पता चला था, जनरली अभी तो जल्दी पता चलेगा, उस समय पॉलिसी चेंज हुआ था, सो कैडर एलोकेशन का जो जोनल पॉलिसी है ये एप्लीकेबल है। सो इसमें ऐसे है कि 33% तो होता है वो तो रिजर्व फॉर होम स्टेट्स को, तो होम कैडर को 33% लोगों को मिलेगा, बाकी जो लोग होते हैं तो उसमें मेरिट के हिसाब से सिर्फ पहले जो मिलता था उसके प्लस, नाउ दे हैव डिवाइडेड इंडिया इन 5 जोन्स, तो जोन में प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो इस जोनल पॉलिसी का जस्ट जिस्ट इतना है कि इस पॉलिसी से ऐसा होगा कि हम नियरेस्ट जोन जनरली प्रेफर नहीं कर सकेंगे, तो हमें दूर दूर जाना पड़ेगा, तो ये पॉलिसी का इंटेंशन भी था। और फिर मतलब तो वही है, ऑल इंडिया स्पिरिट जो है इस सर्विस में, तो ये सब चीजें होती है। कार्डर एलोकेशन पॉलिसी बहुत मतलब हमारे टाइम से जो भी है जोनल सिस्टम, ये बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो वही है। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे उनको अगर होम कैटर चाहिए, जैसे अगर कोई महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है तो अगर उसको महाराष्ट्र में सर्व करना है या फिर कोई मध्य प्रदेश में कर रहा है, अभी तो खैर वो जोन आ गया है तो बहुत सारे जोन सेम इसमें आते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अगर होम टाउन है तो उसको वो वाला डिस्ट्रिक्ट या फिर वो वाला स्टेट मिल जाए? हाँ, होम स्टेट मिल जाता है तो फिर उसका वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो होम स्टेट मिल सकता है बट वो रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, सो इफ यू आर फर्स्ट और सेकेंड इन द स्टेट तो आइडियली मिल जाना चाहिए, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपके कैटेगरी के लिए वैकेंसीज होनी चाहिए, तो अच्छा, ये और सब मैंने कई बार चीजें ये हैं। भी देखा है कि अगर कोई फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक भी है लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोई कैडर एलोकेट, मतलब कैडर अगर उन्होंने ऑप्शन में डाला है फिर भी उनको एलोकेट नहीं होता है, कोई दूसरा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा इसलिए होता है कि उनके कैटेगरी के लिए उस टाइम पे उस ईयर में वैकेंसीज उस स्टेट में नहीं अच्छा, मतलब इसका उससे कोई है। लेना नहीं है कि वो आपका होम स्टेट है तो हम आपको नहीं देंगे, ऐसा कोई लेना देना नहीं 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 है? नहीं नहीं इसलिए मैंने बोला कि 33% जो हर फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में इस बार फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे 6 सीट थे, 6 वैकेंसीज थे, तो उसके 33% मतलब 2 तो ये रहेंगे, और इनसाइडर्स तो 2 इनसाइडर्स को मिलेगा, बट डिपेंड्स ऑन मतलब मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड।